चार बच्चों के जूतों को और मेरे जूतों को, ऐसे पांच जोड़ी जूतों का मैं रोज पॉलिश करता हूँ। मरुभव आ गए तो मैंने उनके भी जूतों को पॉलिश करना चालू किया। तो कहीं जाते नहीं थे, घर में आंगन में नंगे पांव ही घूमते थे। तो तीसरे चौथे दिन उनके ध्यान में आया कि उनके जूतों को मैं पॉलिश करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम रोज मेरे जूतों को पॉलिश कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, पांच जोड़ियों को करता हूँ, एक छठी जोड़ी और सही, उसमें क्या? बोले तुमको क्या लगता है ये जूता कभी चमकेगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं चमके। सबसे निकृष्ट ऐसा जो चमड़ा हो सकता है उसका ये जूता है बना हुआ, ये कैसे चमके? बोले फिर इसको पॉलिश करके करते। मैंने बोला ये पॉलिश बनाने वाली जो कंपनी है चेरी ब्लॉसम, उनका दावा है कि ये पॉलिश का यदि बार बार उपयोग किया जाए तो चमड़ा मुलायम हो जाता है। मैंने ऐसा जो उनको बोला तो उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से जूता खींच लिया, मेरे को मेरा जूता मुलायम नहीं करा, मेरा जूता कड़ा ही होना चाहिए, वो मेरे पैरों में गड़ना ही चाहिए, तो मेरे को स्मरण रहेगा कि मैंने कंटका कीर्ण मार्ग पर चलने का प्रतीक लिया। ऐसे प्रचार, पैसा यहां वहां से लाने की जरूरत नहीं, पैसा देने में अड़चन क्या जाती है कि समाज में, डॉक्टर साहब ने ये बोला कि समाज में ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो दानदाता होते हैं, कुछ निवेशक होते हैं। बाबा साहब देवरस ने कहा था कि मैंने पर्सन गिव्स अवे द मनी एंड फॉरगेट्स अबाउट इट, इज अ डोनर अदरवाइज ही इज द इन्वेस्टर। लोग देते हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग होते हैं वो पैसा देते हैं, उसके पीछे उनका स्वार्थ भी होता है। हमारे देश में गणपति का मंदिर होता है, श्री राम का मंदिर होता है, तरह तरह के मंदिर होते हैं, लेकिन एक अजब किस्म का मंदिर भी, बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर को इसको बोलता नहीं, इसको बिड़ला मंदिर बोलते। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने ये काम चालू किया। अब ये जो गुरु दक्षिणा हुई, ये 3 जुलाई 1928 को गुरु पूर्णिमा के दिन पहली गुरु दक्षिणा हुई नागपुर में, जिसमें कुल 84 रुपया और कुछ आना इकट्ठा हुआ। इस 84 रुपए में पूरे वर्ष के बात करनी थी, खर्चा निकलता नहीं, और खर्चा निकले इसके लिए स्वयंसेवक, छोटे छोटे स्वयंसेवक होते थे संघ में, तो प्रौढ़ स्वयंसेवकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, छोटे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मेरे को पिताजी के कारण बहुत से संस्मरण मालूम है। नागपुर में श्रीमंत बुटी एक परिवार था, तो उनके घर में जब ये उत्सव होते थे तो उत्सव के समय भोजन की बड़ी बड़ी पंगतें होती थी, तो संघ के सभी स्वयंसेवक वहां पंगत में जाते थे, भोजन करते थे। और आपको मालूम है परिपाटी थी कि जब भोजन के लिए पंक्ति में बिठाया जाता था तो सोने की चेन से चंदन को, चंदन में सोने की चेन को डुबा के और माथे पर ऐसा एक उसका तिलक लगाया जाता था। फिर हम जाते थे वहां पर, हाथ धो लेते थे, हाथ धोने के साथ माथा भी धो लेते थे और दोबारा पंगत में जाके बैठे। बड़ी बड़ी पंगत थी क्योंकि आकर्षण था साथ में मिलने वाले दो आने दक्षिणा। और जब ये हाथ धोने के लिए जाते थे तो वहां परम पूज्य जी बाढ़ से दिवस खड़े रहते थे और जो भी व्यक्ति वहां पर स्वयंसेवक आता था उसको बोलते थे धोन दी दो, और ऐसे करके पैसे इकट्ठा कर संघ का घोष बनाया। और मुंबई में प्रख्यात संगीत दिग्दर्शक सुधीर फड़के उसमें हाथ में वो घोष का डंडा लेके लोगों के घर में शादी विवाहों में जाके बैंड बजाते थे ताकि संघ के लिए पैसा मिले। ऐसे तरह तरह की बातें करके संघ के लिए पैसे की बात है। लेकिन 1928 से 1937 तक 9 साल में इसमें बहुत अंतर आ गया। मेरे पिता को डॉक्टर साहब ने एक पत्र लिखा था जिसमें मेरे को आंकड़े मिले, तो नागपुर शहर की 1937 की गुरु दक्षिणा 5031 रुपए, पुणे शाखा की 1650 रुपए और मुंबई शाखा की 950 रुपए। ये क्या दर्शाता है? इन 3 शहरों में नागपुर सबसे छोटा शहर था, पुणे उससे बड़ा और मुंबई तो बड़ा ही। लेकिन जहां हमारा काम अच्छा था, जहां हमारे स्वयंसेवकों की संख्या अधिक थी, वहां पर हमारी गुरु दक्षिणा अधिक। नहीं तो 5031 रुपया तो मुंबई का कोई भी एक सेठ एक बार दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा करके ये संगठन चालू हुआ। संगठन चालू करते समय एक बात का ध्यान रखा गया कि ये संगठन में जो कार्यकर्ता होंगे, जो काम करेंगे, ये प्रसिद्धि परांगमुख होंगे, ये प्रसिद्धि की बात नहीं करेंगे कभी भी। इसका एक बात हुई थी कि बसंतराव ओक नाम के एक कार्यकर्ता थे जिनको संघ कार्य चालू करने के लिए दिल्ली में भेजा गया।
तो जब वो दिल्ली गए और जिस दिन उनको शाखा चालू करना था तो समाचार पत्र में एक समाचार छप गया कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिल्ली में हो रही है और उसके लिए नागपुर से बसंत राव को पधारे और डॉक्टर साहब भरी नाराज हो गए और उन्होंने बसंत राव को पत्र लिखा कि ये किसकी गलती से हुआ है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन गलती किसी की भी हो जो कुछ हुआ ये उचित नहीं हुआ और ऐसा दोबारा कभी होना नहीं चाहिए। अब इसमें एक बात थी कि व्यक्ति तो प्रसिद्धि परामुख होंगे लेकिन संस्था का प्रचार किया जाएगा क्योंकि संस्था कैसा काम कर रही है लोगों के सामने आना चाहिए। डॉक्टर साहब स्वयं ये प्रयास करते थे कि संघ का जो काम होता था उसके बारे में समाचार पत्रों में विवरण छपे, लोगों को जानकारी हो, लेकिन व्यक्तियों के नाम उसमें देना उनको मान्य नहीं। फिर एक बात थी कि डॉक्टर साहब के ऐसा स्वभाव था कि कोई भी व्यक्ति जाके उनसे कुछ भी बात कर सकता था, मेरे पास समय नहीं है, बाद में बात करो, संक्षेप में बात करो, इस तरह की बात वो कभी नहीं करते थे। आओ बैठो, क्या तुम्हारे मन में बात है, बोल। तो एक उनको बोला कि मान लीजिए डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी संख्या में संघ का गणवेश पहन के और जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति गाय काटने के लिए ले जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप अनुशासन में चलते रहोगे या अनुशासन तोड़ के वो गाय काटने को ले जाने वाले व्यक्ति को आप पकड़ोगे। डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं दोनों में से नहीं कुछ करूंगा, मैं तत्काल संघ का विसर्जन कर दूंगा और अपने घर जाके एक चादर तान के सो जाऊं। उसकी समझ में नहीं आया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई इतनी बड़ी संघ शक्ति देखने के बाद भी किसी व्यक्ति की गाय काटने की हिम्मत हो तो ऐसा कार्य चलाने का जरूरत क्या, इसका मतलब क्या। फिर दूसरा था कि स्वयंसेवक जो है ये हमेशा किसी भी दायित्व के लिए तैयार होना चाहिए, सिद्ध रहना चाहिए, ये उनका कहना है। एक दिन मैं जब LIC में नौकरी करता था तो कुछ ऐसे विचार आए हमारे केंद्रीय कार्यालय से जो हमको छोटे कार्यालयों को, शाखा कार्यालयों को भेजने थे और वो विचार समझ के उन विचारों को वहां पर भेजना था। विषय था संगठनात्मक रूपांतरण, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा था। मेरे मन में अचानक विचार आया कि डॉक्टर साहब ने जब पहले प्रचारक भेजे तो उन्होंने क्या किया होगा, कैसी तैयारी की होगी उनकी, उस समय तो ये सब कुछ नहीं था। तो मैं घर आ गया, मैंने उन्हीं से पूछा कि आप जब पंजाब में प्रचारक के रूप में गए थे तो डॉक्टर साहब ने आपको कुछ नोट्स वगैरह, टिप्पणी वगैरह कुछ लिख के दी थी क्या, बोले नहीं। कोई बैठक नहीं थी, बोले नहीं। तो मैंने फिर हुआ क्या था, बोले कुछ नहीं, उन्होंने एक दिन हमको बुलाया, मोरू मुंजे, राजा पाथरकर, कृष्णा जोशी, तुमको तीनों को लाहौर जाना है, पंजाब में काम करना है संघ का और आगे महाविद्यालय शिक्षा भी तुमको वही ग्रहण करनी। तो बोला कि विचार वगैरह डॉक्टर साहब ने हमको कुछ नहीं बोला। फिर आगे उन्होंने बोला कि हमारे में से कोई कोई विद्वान नहीं। उन्होंने बोला ये सब तो आप शायद विनय से बोल रहे हैं, बोले विनय से नहीं, ऐसा ही हुआ था, कोई उन्होंने हमको नहीं समझाया था कि क्या विचार बताना है, क्या करना है। लेकिन बोले जो विचार डॉक्टर साहब के हमने पंजाब के लोगों को बताया वही भवराव देवरस ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया, वही यादवराव जोशी ने दक्षिण भारत में लोगों को बताया और अन्य लोगों ने संबंधित प्रदेशों में बताया, उनमें विचारों में या हमारे विचारों को ट्रांसफॉर्म करने में, विचारों को लोगों को समझाने में वहां कोई गफलत नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, जो विचार हमने बताया वही विचार उन्होंने बताया। ये देख के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक संस्कृत सुभाषित है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न संशय, कि गुरु का मौन व्याख्यान दे शिष्य के मन में जो भी संदेह होते हैं वो दूर हो जाते हैं। शिवाजी महाराज के चरित्रकार और इतिहासकार श्रीमंत बाबा साहेब पुरंदर ने कहा है कि व्याख्यान एक बहुत प्रभावी माध्यम है लेकिन आचरण प्रभावी व्याख्यान। तो डॉक्टर साहब का जो आचरण था वो इन लोगों के लिए प्रभावी था और उनको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जाओ शिवस्तु पंथाना, जाओ समझ के जाओ काम, और इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, स्वयं से वो इसके लिए तैयार होता है। आजकल के समय में एक बात बोली जाती है कि व्यक्ति मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, उसको कोई भी काम करते बनना चाहिए। संघ का प्रचारक ये तो शुरू से ही ऐसा था कि उसको जो भी दायित्व देंगे वो ऐसा करता था कि जैसे उसी के लिए वो उसका जन्म हुआ। हमारे जबलपुर में रामाराव नायडू एक प्रचारक थे,
शुरू में जब वो प्रचारक बने तो वो प्रचारक के साथ साथ वो पत्रकारिता भी करते थे। बाद में जब ये केशव कुटी का निर्माण हुआ तो उनको बोला गया कि भाई ये केशव कुटी का काम आप देखेंगे, ये भवन निर्माण का काम देखना। तो उन्होंने ऐसे व्यावसायिक कुशलता से वो काम देखा कि हम लोग उनको सिविल इंजीनियर बोलते थे, उस समय रामाराव जी सिविल इंजीनियर। ये काम देख के जब रायपुर में कार्यालय बना तो वहां भी रामाराव जी को भेजा गया। जब दोनों कार्यालय बन गए तो उनको बोला कि भाई अब आगे आपको भारतीय मजदूर संघ का काम करना है। रामाराव जी लेबर लीडर बन गए, श्रमिक नेता। और आखिर में उनको दमोह के पास, हटा के पास एक प्रकल्प दिया गया था कि वहां आपको जाना है, वो काम करना है। वो भी प्रत्येक इस भूमिका को करते समय उन्होंने ऐसी कुशलता से किया कि वो उन्होंने कोई उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब स्वयं परम पूजनीय डॉक्टर साहब का जीवन कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, इस पर हम थोड़ी बात करें। तो डॉक्टर साहब जो पत्र लिखते थे वो संघ के लेटर हेड पर लिखते, और उस समय पर वो बहुत व्यवस्थित थे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती थी किसी तरह की। यदि डॉक्टर साहब कहीं के संघ शिक्षा वर्ग में बैठ के पत्र लिख रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप नागपुर पुणे जो कुछ है वहां का लेटर हेड वो उपयोग कर रहे हैं। कार्यालय में बैठेंगे तो संघ का लेटर हेड होगा, उसमें सड़क कार्यवाह का नाम होगा, डॉक्टर साहब का नाम होगा। और रुतबा इतना था कि डॉक्टर साहब का जो पता था, पत्र व्यवहार का पता, क्या डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर के बी हेडगेवार, LMS नागपुर सिटी। फलाने के आगे, इसके पीछे महाल नागपुर, शुक्रवारी तलाव के पास, सब कुछ नहीं, डॉक्टर हेडगेवार नागपुर सिटी, जो उनका पता होता है। और जब भी जिस भी तारीख को डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है और उस दिन जो लेटर हेड का उन्होंने उपयोग किया है, उस लेटर हेड पर उस दिन जो पदाधिकारी थे उनके नाम थे। ऐसा नहीं कि कोई पुराना लेटर हेड इस्तेमाल कर रहे, ऐसा नहीं। फिर संघ के लेटर हेड के अलावा डॉक्टर साहब का अपना एक व्यक्तिगत लेटर हेड, ऐसा बोला गया कि डॉक्टर साहब जब कभी अनौपचारिक पत्र किसी को लिखते थे तो अपने व्यक्तिगत लेटर हेड का उपयोग करते थे। एक मैंने देखा कि 5 अप्रैल 1940 को मेरे पिता को उन्होंने पत्र लिखा उस व्यक्तिगत लेटर हेड पे, और 6 अप्रैल को उन्होंने उसी लेटर हेड पे परम पूजनीय श्री गुरु जी को एक पत्र लिखा। दोनों पत्र मैंने अभी हाल में देखे। उस लेटर हेड पर जो ऊपर एक बात लिखी रहती थी उसमें तो केवल डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिखा रहता था, और जैसे मैंने बताया कि पता नागपुर सिटी, लेकिन उसके ऊपर संत तुकाराम महाराज के अभंग का एक चरण, चरण मतलब पंक्ति, एक पंक्ति लिखी रहती थी, दया तिचे नाव भूतांचे पालन अनेक निर्दलन कंटकाच। अर्थात दया शब्द का अर्थ है कि भूतों का पालन, सज्जनों का पालन और दुर्जनों का नाश। दया ऐसा नहीं कि दयालु है तो सबके प्रति दया दिखा रहा है, ऐसा नहीं, सज्जनों का पालन और दुर्जनों का नाश। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व भी ऐसा था कि उनकी जो वाणी थी बहुत मीठे बोल बोलते थे, जिस किसी से बात करेंगे ऐसे मीठे बोल बोलेंगे कि वो व्यक्ति उनका अपना हो जाता था। लेकिन साथ साथ एक प्रतीकात्मक चीज थी कि डॉक्टर साहब के हाथ में एक डंडा होता था। डॉक्टर साहब के जो चित्र देखते हम या उनकी जो मूर्ति देखते नागपुर में, उस चित्र में और मूर्ति में उनके हाथ में केन, लेकिन वो केन रोज रखते नहीं थे, उनके हाथ में डंडा होता था। जैसे पुलिस के सिपाही, पुलिस के कांस्टेबल के हाथ में छोटा सा डंडा होता है मोटा, तो डॉक्टर साहब उसको सोटा बोलते थे, तो वो सोटा उनके हाथ में था, मिठास वाणी और हाथ में सोटा। दया तिचे नाव भूतांचे पालन अनेक निर्दलन कंटकाच, ये उनका स्वभाव। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो कहीं गड़बड़ी वगैरह करते थे, डॉक्टर साहब उनके साथ अलग ढंग से पेश आए। एक बहुत मनोरंजक किस्सा है, एक सज्जन नागपुर में नागपुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और नागपुर कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष थे तो उनका कहना था कि मैं नागपुर के कलेक्टर के समकक्ष, तो उनका यह कहना था कि भाई मैं कांग्रेस की तरफ से कलेक्टर के समकक्ष हूं, जैसा कलेक्टर है वैसा मैं। लोगों ने बोला ठीक है आप कलेक्टर है कोई अर्जन नहीं, लेकिन उनका यह कहना था कि नागपुर में जो भी सभा सम्मेलन होंगी उसकी अध्यक्षता वही करेंगे। और जैसे कल मैंने आपको बताया कि जो वॉलंटियर की बात मैंने कल की थी कि माँ का डरना बाप का डर, बेटा बन गए वॉलंटियर, ऐसे वो 25-50 वॉलंटियर लेके आते थे और
सीट बराबर जो मंच पे बैठा हुआ अध्यक्ष था उसको उठा के बाजू करते थे और खुद अध्यक्षता करने के लिए बैठ जाते। तो ये बात कोई उचित नहीं, लेकिन करे क्या, उनका रुतबा था नागपुर शहर और उसका कुछ सामना भी नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना था ठीक है आपने बहुत बड़ा काम किया, आप नागपुर के कलेक्टर के समकक्ष है, आप जनरल नाम से जाने जाते हैं, आप सेनापति नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती जो करेंगे तो ये कुछ उचित नहीं है। मराठी में इसको जुर्मा सा राम राम बोलते हैं। तो जबरदस्ती को राम राम करना पड़े, प्राण करना पड़े किसी को उस तरह के। ऐसे समय में भाई परमानंद जी का नागपुर में आगमन होना था और देवता स्वरूप भाई परमानंद हिंदू महासभा के दिग्गज नेता थे। तो नागपुर में हिंदू महासभा के लोगों ने ये सोचा कि क्या करेगा, इनका हम सत्कार करेंगे तो वो फिर सेनापति आके बैठ जाएंगे, जबरदस्ती मंच पे कब्जा करेंगे और सभा की जो गरिमा है वो ऐसे में समाप्त हो जाएगी, तो क्या किया जाए। तो ये बात जो मैंने आपको बोली, नागपुर में 16 सर्कल था, डॉक्टर मुंजे की जो बैठक थी उसने नागपुर के 16 प्रतिष्ठित लोग रोज बैठक, वहां वो बात आई। डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप निमंत्रण पत्र छाप दीजिए और आप ये बोलिए कि ये कार्यक्रम हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। और डॉक्टर केशव बलराम भेड़केवार सभा की अध्यक्षता करें। मैंने कल आपको बोला था कि जब लाहौर के संघ चालक ने भाई परमानंद की जयंती संघ शाखा में मनाने की अनुमति मांगी थी तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि किसी व्यक्ति विशेष की जयंती का हम आयोजन नहीं करें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि चलो संघ की तरफ से ये कार्यक्रम करें। कुछ स्वयंसेवक गणवेश में थे जो व्यवस्था देख रहे थे और एक कोने में बहुत सारी लाठियां लाके रख दी थी दंड। कार्यक्रम शुरू हुआ, डॉक्टर साहब ने प्रास्ताविक भाषण दिया कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित है और मैं डॉक्टर केशव बलराम भेड़केवार इस सभा की अध्यक्षता कर रहा हूं। जो भी संस्था या व्यक्ति भाई जी का सत्कार करना चाहे उन सबका यहाँ पर स्वागत है, लेकिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाए, ये उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया। थोड़ी देर में नेताजी आ गए, उनके साथ उनके 25-50 वॉलंटियर्स भी आ गए। डॉक्टर साहब स्वयं मंच से नीचे उतरे, उनको हाथ जोड़े नमस्कार किया और श्रोताओं में पहली पंक्ति में कुर्सी रखी थी उनको बोला कि यहाँ विराजमान हो जाए, तो वहां बैठ के कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। फिर दूसरे दिन नागपुर में समाचार पत्रों में संपादक के नाम लोगों ने पत्र लिखे कि जनरल साहब कल कहाँ चले गए, तो फिर उन्होंने भी दूसरे दिन संपादक के नाम एक पत्र लिखा कि मैं भी कल कार्यक्रम में गया था, मैं वीर हूं और डॉक्टर हेडगेवार भी वीर है और वीर ही वीर का सम्मान करना जानता है, डॉक्टर साहब ने मेरे को सम्मान से बिठाया, मेरे को इसमें कोई शिकायत नहीं, और इस तरह से वो मामला निपट गया। तो आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर साहब सोटे का और नहीं तो हमेशा अपनी वाणी का उपयोग करते थे और दया तीजे नापक भूतान से पालक इस बात को वो सिद्ध करते थे। 1928 में कोलकाता जाके डॉक्टर साहब ने बाबा राव सावरकर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भेंट की। अब ये जो बड़े पुरुषों की महापुरुष की पुरुषों की भेंट है ये किन विषयों पर हुई क्या हुई ये मालूम नहीं, लेकिन ये 1928 की बात है, इनकी भेंट हुई थी और 1940 में भी सुभाष बाबू डॉक्टर साहब से मिलना आना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब का अंतिम समय तक स्वास्थ्य इतना खराब था कि उस समय भेंट नहीं हो गया। अभी ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास की कुछ आधुनिक अवधारणाएं कुछ चीजों को बोला जाता है। संघ में जब संघ कार्य चालू हुआ तो एक अन्ना सोहनी नाम के एक सज्जन जो संघ का शारीरिक शिक्षण का विभाग देखते थे और लाठी काफी चलाना ये इसमें वो प्रवीण थे, संघ के स्वयंसेवकों को लाठी का प्रशिक्षण अन्ना सोनी ने ही दिया,
अन्ना सोनी से डॉक्टर साहब के मतभेद हो गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पहले कुछ जवान लोग लाते थे उनको मैं लाठी काठी चलाना सिखाता था, अब तो आपने बच्चों को लाना शुरू कर दिया, ये बच्चे बच्चे नहीं चलेंगे, इनको आप संघ में प्रवेश देना बंद करें। डॉक्टर साहब ने बोला ऐसा नहीं, बच्चों को भी हम लेंगे, इनके भी पथक होंगे, इनके भी गढ़ होंगे, ये भी शाखा में आएंगे, ये भी काम करेंगे। और डॉक्टर साहब जब काम करते थे स्वयंसेवक से जब बात करते थे तो बच्चा और बड़ा तो देखते ही नहीं, उनके बैठक में कभी भी बच्चों को ये नहीं बोला गया कि भाई आप बाहर जाओ, ये बड़ों का विषय है, ये कोई गंभीर विषय है तो इसमें तुम्हारी उपस्थिति नहीं चाहिए, बच्चे भी रहता है। और बच्चे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि बैठे बैठे वहां सो भी जाते, लेकिन वो डॉक्टर साहब उनको बच्चों को भी साथ में रखते थे। अभी क्या होता है कि आपको अपने बच्चे को यदि IAS बनाना है, PhD दिलवाना है, IIT में भेजना है, IIM में भेजना है, IAS बनाना है, IPS बनाना है, तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सातवीं आठवीं से बच्चे को हमको दे दो, हम अभी से उसको पढ़ाएंगे। और उसको नाम क्या देते हैं, वो कैच देम यंग, कैच देम यंग बोलते हैं। और ये आधुनिक अवधारणा मानी जाती है, इस अवधारणा को डॉक्टर साहब ने संघ में 90 साल पहले लागू कर दिया था, बच्चों को ले आए थे और वो उन्हीं को बच्चों को बड़े बड़े जो बच्चे थे 10 साल के 11 साल के 12 साल के उनको 8-10 साल में उन्होंने प्रशिक्षण देकर और संस्कारित करके और प्रचारक करके भेज